तो यार सामने आप बाइक को देख सकते हैं, लेजेंड बाइक पल्सर 220F, जो कि ये 2023 न्यू मॉडल है। तो सामने आप जो बाइक देख रहे हो ना, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। लाखों लोगों का ये बाइक प्यार है, लोग इस बाइक को जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लुक्स की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से। कुछ टाइम पहले ये जो बाइक है ना डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, लेकिन जो है पब्लिक डिमांड पर फिर से ये बाइक कुछ महीनों पहले लॉन्च हो चुकी है। तो अब इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, फिलहाल इसकी क्या ऑन रोड प्राइस मिलती है, इस बाइक से रिलेटेड आपको जो है बहुत सारी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार सबसे पहले इस बाइक में अब आपको 20% इथेनॉल वाला अपडेट मिल जाता है। इसमें जो इंजन है वो आपको जो है BS6 Phase 2 वाला मिल जाता है। की इसमें आपको नॉर्मल नहीं मिलती, इसमें आपको वेव की मिल जाती है, जो कि दिखने में भी अच्छी लगती है और इसको जो है काफ़ी सेफ भी माना जाता है। एनालॉग प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आपको जो है मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ फीचर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है कुछ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। पल्सर वाला यहाँ पर आपको जो है एनालॉग में बिग साइज का यहाँ पर RPM मीटर मिल जाता है। फीचर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिजिटल में फ्यूल मीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, रियल टाइम माइलेज का यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है। और साथ ही DTE यानी कि डिस्टेंस टू MT बाइक में जितना फ्यूल है उसमें कितना और बाइक चलेगी। साइड स्टैंड की यहाँ पर आपको जो है मीटर कंसोल में वार्निंग मिल जाती है। लो बैटरी की भी यहाँ पर आपको वार्निंग मिल जाती है और सर्विस रिमाइंडर का भी इसमें आपको फीचर मिल जाता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स आपको जो इसके मीटर कंसोल में मिल जाते हैं, आपको अच्छे खासे हेल्पफुल फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यार एक बार आप जरा बाइक को तो देखो, इस बाइक को देखकर कोई कैसे फिदा नहीं होगा। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। तुम्हें जो मैंने देखा। बाइक का जो लुक है ना यार बहुत ही ज्यादा किलर अट्रैक्टिव है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियर में यहाँ पर आपको जो है 220F की बैचिंग मिल जाती है ब्लैक कलर में, जैसे कि बाइक आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें आपको रेड कलर में ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बाइक का लुक इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। फ्यूल टैंक पर जैसा कि आप देख सकते हैं आपको पल्सर का 3D लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको फुल्ली फेयरिंग डिज़ाइन मिल जाती है, जैसे कि फुल्ली फेयरिंग बाइक आपके सामने प्रेजेंट है। तो यार इस बाइक का जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। बाकी आपको इसका लुक कैसा लगता है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट में यहाँ पर शेयर ज़रूर करना। बाइक को आप यहाँ पर फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट में आपको जो है एक बड़ा सा वाइजर मिल जाता है, जिस पर आपको फोल्डेबल मिरर्स मिल जाते हैं। बजाज पल्सर 220F में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाता है पायलट लैम्प के साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है हेलोजन में ही फिलहाल तो इसमें हेडलाइट मिल जाता है, फिलहाल इसमें जो है LED का अपडेट नहीं हुआ, आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पर LED हेडलाइट भी देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर से यहाँ पर आपको जो है फ्लेक्सिबल मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर बाई चांस आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स टूटने के जो है चांसेस काफ़ी कम होते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है अच्छे खासे मस्कुलर साइज़ के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसके दोनों ही साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं सेफ्टी पर्पज़ से। फ्रंट में आपको 280mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS के साथ। इस बाइक में आपको जो है ड्यूअल चैनल ABS नहीं मिलता, जैसे कि आपको पल्सर की काफ़ी सारी बाइक्स में जो है फिलहाल ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको जो है फिलहाल तो सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। फ्रंट टायर साइज़ यहाँ पर आपको मिलता है 90x17 inches अलॉय व्हील के साथ। यहाँ पर आपको जो है फ्रंट में ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अलॉयज़ पर जैसा कि आप देख सकते हैं आपको रेड स्टिकर मिल जाता है, जिससे जो है लुक और भी अच्छा बन जाता है। नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो इंजन गार्ड, जिसको हम इंजन काउल कहते हैं, वो यहाँ पर मिल जाता है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको जो है लेग गार्ड भी मिल जाता है, जो कि ज़रूरी भी है। फ्यूल टैंक जैसा कि आप देख सकते हैं आपको काफ़ी मस्कुलर लुक में फ्यूल टैंक मिल जाता है। 15 लीटर इसकी कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। टैंक पर जैसा कि आप देख सकते हैं आपको पल्सर का 3D लोगो मिल जाता है और टैंक पैड भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाइक का रियर लुक आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है LED में टेल लाइट मिल जाती है, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, बाकी हेलोजन में इंडिकेटर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। पल्सर 220F में यहाँ पर जो है स्प्लिट में सीट मिल जाती है, जिसमें आपको जो है राइडर प्लेन दोनों के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है। काफ़ी बेटर यहाँ पर आपको सीट मिलती है, तो यहाँ पर सीट से काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सही बात है। पल्सर 220F के इंजन की बात करें तो 220cc का इसमें आपको इंजन मिल जाता है BS6 Phase 2 अपडेट के साथ। DTSI FI इंजन इसमें आपको मिल जाता है ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ।
तो इंजन से आपको पावर मिलती है 20.4 PS की 8500 RPM पर, और यहाँ पर आपको टॉर्क मिलता है 18.55 न्यूटन मीटर का 7000 RPM पर। तो बाइक से यार बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि आपको जो है काफ़ी अच्छा बाइक से परफॉर्मेंस मिलने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राइड करते टाइम आपको जो है मज़ा ही आने वाला है। 5 स्पीड यहाँ पर यानी कि 5 गियर आपको बाइक में मिल जाते हैं, और साइड स्टैंड का यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। अगर आपकी बाइक गियर में है, बाइक का स्टैंड नीचे है, तो आपकी जो है 220F स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप बाइक का स्टैंड ऊपर नहीं करते, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको ओपन चेन मिल जाती है, तो मेंटेनेंस की तरफ आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इस सेगमेंट की बाइक में आपको जो है ओपन चेन ही मिलती है। बिग साइज में आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल जाता है कुछ ऐसे लुक में। रियर में आपको मिलते हैं 5-स्टेप एडजस्टेबल एंड्योरेंस नाइट्रॉक सस्पेंशन, जिससे आपको जो है अच्छा खासा कंफर्ट तो मिलने ही वाला है। रियर में जैसा कि आप देख सकते हैं आपको 230mm साइज का डिस्क मिल जाता है, जिसमें आपको एक रिंग मिलती है जो कि ABS की नहीं है। इसमें आपको जो है RLP सेंसर मिल जाता है। रियर टायर साइज की बात करें तो रियर टायर साइज यहाँ पर आपको जो है 120x80 मिल जाता है। 17 इंच से यहाँ पर आपको एलॉयज मिल जाते हैं, और टायर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बाइक आपको कैसे लगी, बाइक में जो फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, किस चीज़ की कमी है, क्या इस बाइक में बैठ रहे हैं, आपका जो भी पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पर आप जो है कमेंट में शेयर ज़रूर करना। पल्सर 220F की प्राइस की बात करें तो 1,71,000 की ऑन रोड प्राइस में ये बाइक हमारी यहाँ पर मिल जाती है। बाकी आपको स्टेट बाय स्टेट थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस भी मिल सकता है। शोरूम की टोटल डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। अगर आप इसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप जो है शोरूम में विजिट कर सकते हैं, बाइक की इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ ही में टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो पल्सर 220F में आपको वेट मिल जाता है 160 kg, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको जो है 165mm का मिल जाता है, और टॉप स्पीड की बात करें तो पल्सर 220F में यहाँ पर आपको जो है 140 के आसपास टॉप स्पीड मिल सकती है, और यहाँ पर आपको सीट हाइट मिल जाती है 795mm। तो पल्सर 220F से रिलेटेड जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो अगर आपको अच्छी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना है। बाकी जल्द ही मिलता है किसी और वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।